अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एक और वीडियो। आज है रमज़ान का पहला दिन और पहला रोज़ा है। आज ऑफिस की टाइमिंग जो हुई है वो है सुबह 9 से 5, वो सॉरी सुबह 9 से 3 बजे तक। अभी हो गए हैं 9:15 और मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ क्योंकि पहला पहला दिन है, सेटिंग बनाना पड़ेगी। और सेटिंग बनेगी तो फिर आगे हिसाब किताब होगा, सेटिंग नहीं बनेगी तो हिसाब किताब कैसे चलेगा। तो पहला पहला दिन है, सेटिंग में गुजरेगा। आज आपको दिखाता हूँ कि आज की ब्लॉगिंग ऑफिस के और पूरे दिन के लिए के रोज़ा कैसा गुजरा आज। चलो फिर मिलते हैं आगे। भाई कराची का वेदर है, वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ऑफिस ऐसे तैयार होके आना पड़ता है। ये देखो भाई, पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ, मेरी हालत ये है भाई। जैसी ऑफिस पहुँचाऊँ ये बेकार आदमी मुझे मिल गया, बोला टाइम पास। यार हम टाइम पास के लिए आते हैं, अब हम लोग ऐसे हो गए, टाइम पास बोल रहे हैं। ऐसा बंदा टाइम पास बोल रहा है, ये टाइम पास करता है, काम इसका यहाँ है, बच्चों के वहाँ भी करता है। यार देखो यार, ये बच्चों का टाइम पास क्या क्या बोल रहा है यार। ये असल में खुद ही फारिग बंदा है। हम अभी यहाँ पर काम के टाइम पे काम करने के लिए पहुँचे जगह पे, और ये पहले से खड़ा हुआ वहाँ पर, मुझे देख के डायरेक्ट आ गया, बोला टाइम पास। इतना फारिग बंदा मुझे देख रहा था कि मैं आऊँगा कब, और ये आके मुझे बोलेगा टाइम पास। मैं अपना काम सारा क्लियर करके आया हूँ, इसके रूम में टाइम पास करने। हाँ नहीं, अपना तो हिसाब किताब यही है, अपने तो आए हैं और अभी इंशाल्लाह चले जाएंगे 3 बजे। हम भी इंशाल्लाह 3 बजे हाँ, चले जाएंगे। पहला पहला रोज़ा है, अल्लाह आफियत के साथ गुजरवाए। और ऐसे बंदों से कम गुफ्तगू करो ताकि कुछ बदकलामी ना हो, कुछ फड्डा वड्डा ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से रोज़े पूरे जाते हैं मेरे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलो भाई, अभी ऐसे बंदे तो मिलते रहेंगे, टकरते रहेंगे, अभी मिलते हैं फिर बाद में आपसे। तो मैं जब भी आए आप ऑफिस या कहीं पर भी काम की जगह पर, दुकान शॉप वगैरह जो भी हो, बस क्या हालत मेरे ज़्यादातर कोशिश करें, ये नहीं कि पहला रोज़ा है रमज़ान है इसलिए नहीं, आम हालत में भी बस की हालत में रहने की कोशिश करें। जब बाहर आता है बंदा कहीं से राइड वगैरह करके, तो चेहरे पर गिरद गुबार वगैरह आ जाता है, तो लोग अक्सर मुँह धोया करते हैं। मैं कहता हूँ मुँह ना धोएँ, वज़ू करें। वज़ू में रहेंगे तो काफ़ी गुनाहों से बचेंगे, और गुनाहों से बचेंगे तो फिर लड़ा पार हो जाएगा। ये है आज के पहले रोज़े की नसीहत, अगर आप करना चाहें तो करके देखें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। भाई ये हमारे अब्दुल रहीम भाई, ये देखो क्या काम क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू भाई। हाँ भाई, ये क्या कर क्यों रहे हो, पेपर गिन क्यों रहे हो? सर ये हिसाब का ने रूल बनाया है कि जिसको भी पेपर चाहिए वो गिन के दें, ताकि मैं हिसाब ले सकूँ कि ये पेपर कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, क्या है, चलो भाई बताना पड़ता है हमारे। हाँ, और आप इनके यानी के पेपर डीलर हो? मैं इनका पेपर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मतलब सारी चीज़ें पेपर किसको दे रहे हैं क्या है सब मेरे हाथ में है। चलो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं आप भी। मतलब इन फ्यूचर मुझे आपने बोला है कि मैं आपको पेपरों का काम कराऊंगा, तो आप अभी से ही मतलब पेपरों का बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, अभी से पेपर गिनने के वो बन जाओ आप आदमी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो भाई अब आगे चलेंगे, आगे मिलेंगे आपसे। भाई हम दोनों बंदे निकले हैं ऑफिस से एक बंदे के पास छापा मारने के लिए, वो मशकूक बंदा सो रहा है। आपके साथ कैसे कैसे सीन किए ज़रा बताओगे? मेरा सीन इस तरह हुआ है कि मैं अगर मशीन में लेटा हुआ हूँ तबियत ख़राब होने की वजह से, तो वो मेरी वीडियो बना ली गई और मेरी पिक्चर खींच ली गई, और उसको जो है वो वायरल कर दिया गया ग्रुप के अंदर, यहाँ तक कि मेरे घर के नंबर पर भी भेज दी। अच्छा चलो भाई, अब हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, आपको दिखाते हैं। भाई हम लोग पहुँचे हैं मौके वारदात पे, अब अंदर जाके दिखाते हैं आपको बंदा सो कैसे रहा है। ये देखो भाई, बंदा सो रहा है, बस इसको मैं पूरा शो ऑफ नहीं कर सकता, ऐसा ना हो कि नाराज़ हो जाए कहीं हमसे ये। हेलो भाई, 1 बज गए, अब नमाज की तरफ चलते हैं, रमज़ान की पहली दौर की नमाज़ अदा करते हैं। भाई कल गए थे हम दूसरे वजू खाने में, आज जाएंगे दूसरे वजू खाने में, क्योंकि वहाँ पर जगह होगी नहीं, और ये बाहर का मनाजिर देखें, अवाम उन्नास आ रही है। हालांकि आज मैं कितने 1 में 10 कम पे आया हूँ, जब जाके ये मंजर और ये फाटक का मंजर चेक करें। भाई मस्जिद से बाहर आया, सीन हो गया मस्जिद में, मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक शख्स ने मुझे कहा कि आपने मौलाना से इजाज़त ली, तो नमाज के बाद मैं चला गया मौलाना से इजाज़त लेने, तो मौलाना से बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई है। मौलाना ने अपने चेहरे की इजाज़त तो नहीं दी,
और बोला कि आप वीडियो और बयान मेरे अपलोड कर दिया करो और मुझे किताबें वगैरह भी दिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा ऑफिस में जाके, क्योंकि बाहर मोबाइल यूज़ करना ज़्यादा बेटर नहीं है, छिन ना जाए। फाइनली भाई आपका भाई पहुँच गया है घर पे, 3:30 बज रहे हैं, 3 बजे छुट्टी हुई है, अभी आराम करेंगे यहाँ पर, आराम सोएंगे, नींद पूरी करेंगे। और वो मस्जिद वाला सीन तो बहुत क्लास का हुआ था, दरस कुरान हो रहा था, मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली व्यू के लिए, तो बंदे ने मेरे को बोला कि आपने इजाज़त ली मौलाना से? मैंने बोला इजाज़त तो नहीं ली, बोला बग़ैर इजाज़त के मुनासिब नहीं है। फिर मैं चला गया मौलाना के पास। अब मुझे इस जगह पे काम करते हुए तकरीबन 5 साल लगभग हो गए हैं, तो मेरी नमाज़ पढ़ता हूँ आप सर डेली, तो मौलाना मेरे को जानते हैं, उन्हें माशाल्लाह से आप काफ़ी टाइम से नज़र आते हैं, तिलावत वगैरह करते हैं, तो काफ़ी बात हुई उनसे, फिर मैंने इजाज़त ली, उन्होंने इजाज़त दे दी मुझे। तो अब उन्होंने इजाज़त के अलावा मुझे अपनी वीडियो भी सेंड की, उनके मदरसा है, उनके मदरसे की वीडियो है, और मदरसा ज़ेर तामीर है, तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अब मिलते हैं आप लोगों से आगे, भी थोड़ा सा सो जाऊँ, आराम कर लूँ, नींद पूरी कर लूँ, फिर असर की नमाज में और असर के बाद रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा तो गुजर गया। हाँ तो भाई नमाज भी पढ़ ली असर की, सो के उठ भी गए, नींद भी पूरी हो गई, और ये है छोटी सी बनाई भी है तुम्हारे भाई की बैठक, तो मैं सही तरीके से वीडियो बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके की बैठक बनाई है। नॉर्मल यहाँ पर आपका भाई असर की नमाज़ पढ़ के आता है, तिलावत करता है, ये मेरे हाथ में कुरान पाक, यहाँ पर तिलावत करता है सकून से। एक गाइस भाई तुम्हारे भाई का ये बन गई है बैठक असर की नमाज़ के बाद की। तो भाई अभी करते हैं कुरान तिलावत और फिर उसके बाद रोज़ा खोलेंगे, जाहिर सी बात है 5-6 मिनट पहले जाएंगे, पहला रोज़ा मुकम्मल करेंगे भाई। आज के व्लॉग में पूरा पेरा पहला रोज़ा है ना, पूरा का पूरा पहला रोज़ा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आज का रोज़ा गुजरा। वैसे तो आप अभी मेरी शक्ल से भी देख सकते हैं बहुत अच्छा अभी तक का रोज़ा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की ज़ात से बहुत अच्छा गुजरा आज का रोज़ा, काम पर भी होके आ गया, सब चीज़ें कर ली, अपने काम भी किए। और फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई आपका भाई जो मेहनत कर रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दो। वदम।